गाइस फिर से लंगूर आ गए भाई, और भगाओ। तीन लोग काम करता है तो मम्मी की मम्मी अकेली कर देती है। हाँ, मम्मी की मम्मी अकेले काम। और यहाँ पे फूल देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं जारी के। ओए मार गया। अबे क्या कर रहे हो भाई, यहाँ की पूरी सोयाबीन खा गई भाई। कुछ कुछ पौधे आपको दिख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। सुबह के बज रहे हैं 9 और अपनी वीडियो की शुरुआत हो गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों से होते हुए अपने काम पे, क्योंकि यहाँ पे ना लंगूर आए होंगे तो उनको देखना होगा। और मौसम की बात करें तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। आप लोगों ने कल देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लंगूर आए हुए थे, तो वही मेरे को देखते हुए जाना है। अगर आए होंगे ना तो उनको भगाना पड़ेगा। और मेरे से पहले पापा जी पहले से आए हुए हैं यहाँ पे, वो आपको दिख रहे होंगे लंगूर भगाने के लिए। तो अभी मम्मी और नानी इस वाले खेत से निकालने वाले हैं, काले वाले भट आपको दिख रहे होंगे। तो ये हैं काले भट, कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ये पकी हुई फसल है तो इसको अगर तोड़ता हूँ तो मैं इस तरीके से हो रहा है पूरा, ये पूरे काले हो जाते हैं। तो इस वाले खेत की फसल निकालनी है आज। पापा जी ने वहाँ से काम स्टार्ट भी कर दिया है। सुबह के बज रहे 10 और अपना सुबह का काम हो गया है। तो अभी हम लोगों ने जो कच्ची वाली बिच्छू घास थी वो यहाँ पे डाल दी है, जो नीतू और राजा भाई लेके आए थे। जो वाली आपको बिच्छू घास दिख रही है वो कल और परसों की है। कलर आपको अलग लग रहा होगा और इसका कलर आपको पूरा अलग लग रहा होगा, क्योंकि अभी निकाली हुई है। नीतू की चल रही है टाइपिंग प्रैक्टिस गूगल से, बहुत बढ़िया। तो अभी नीतू टाइपिंग सीख रही है, फिर राजा भाई सीखेंगे। तो इस तरीके से ना इनको टाइपिंग भी सिखानी है और सारे काम भी सिखाने हैं, क्योंकि अभी हम काम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें इनको सिखानी है। और इन वाले खेत पे ना कल लंगू ने बहुत सारा आतंक मचाया हुआ था। देखो यहाँ की पूरी सोयाबीन खा गई भाई। कुछ कुछ पौधे आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से पूरी खा गए हैं। अभी आ गया हूँ मैं इस वाले खेत पे, जहाँ पे पापा जी मम्मी और नानी मिलके काले वाले भाट निकाल लेते हैं। देखो नीचे से आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, और साथ में पापा ने स्वीटें भी निकाले हुए हैं। सामान का इस नानी जी के लिए पैक हो रहा है। ये ककड़ी है, ककड़ी थोड़ी ख़राब हो रखी है, इसमें पूरे ये भट हो गए। बाकी यहाँ पे काम चल रहा है, देखो घास भी काट रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मम्मी और बेटी काम करने पे, कैसे हो मम्मी जी तुम? मम्मी की मम्मी नानी। हाँ सही है तुम्हारा? तो सही है सालो। तो आमा की स्पीड देखी जा सकती है, मम्मी से भी तेज है। मम्मी बहुत स्लो काम कर रही है। क्या काम है? ये मांस निकालने का, यानी कि उड़द निकालने का। क्या करती है तुम्हारी मम्मी? तीन लोगों का जितना तीन लोग काम करता है तो मम्मी की मम्मी अकेली कर देती है। हाँ, मम्मी की मम्मी अकेले काम करती है तीन लोगों के बराबर। यानी कि अभी खेत में 1+3 चार लोग काम कर रहे हैं। आपको 2 दिख रहे होंगे, अभी 4 काम कर रहे हैं। और धूप इतनी मस्त वाली लगी हुई है। बाकी आसमान में देखो, सुबह तो पूरा क्लीन था ना, अभी आपको इक्का दुक्का बादल दिख रहे होंगे। अब मैं जाऊंगा अपने जानवरों को जंगल भेजने के लिए। तो उनको जंगल भेजना जरूरी है, क्योंकि भाई गया हुआ है गाँव में, वहाँ पे एक छत डल लिया ना, तो मदद पे गया हुआ है। और यहाँ पे फूल देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं जारी के, ये काफ़ी सुंदर है। और दिवाली आ रही है तो दिवाली दिन माला बनाने काम आएंगे ये। ओ भयंकर भाई साहब, ये बकरे कितने बड़े बड़े पत्थर गिरा रही ऊपर से यार। ओए मार गया। अबे क्या कर रहे हो भाई ये? अरे भयंकर, बड़ा रिस्क है यार। बैल अपने नीचे हैं, बकरियां ऊपर चलेगी, यहाँ से पत्थर गिरानी है। योगी की बकरियां बड़ी शैतान है यार। और भाभी पीछे से लेके आ रही है बैलों को। यहाँ पे धूप देखो भाई इतनी तेज़ लगी हुई है ना। जब भी हम लोग इस साइड आते हैं ना बैलों को भेजने के लिए, इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा धूप बहुत तेज़ लगती है, पता नहीं क्यों। घर की साइड लग रहा होता है कि कम धूप है, यहाँ बहुत तेज़ लग रही है। पूरी हालत ख़राब हो गई, और प्यास भी लग रही है गंदी वाली। और गाइस हमारे इस वाले जंगल में बहुत सारी कड़ी पत्ते होते हैं। ये देखो भाई कड़ी पत्ते का पेड़, आपको जितने भी ये पौधे दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर आगे तक पूरे कड़ी पत्ता है। ये पूरा इस एरिया पे सबसे ज़्यादा कड़ी पत्ते के पेड़ हैं। ये बकरियाँ भी अलग अलग रास्ते से आ रही हैं, फिर पत्थर गिराए। कमांडर को देखो गाइस कहाँ पर गया हुआ है। यहाँ से आपको खतरा दिखाते हैं कैसा है, बंदे को डर लग रही है। देखो थोड़ा सा ऐसे जाता हूँ, ये देखो भाई खाई, वहाँ से पूरी खाई है इस तरीके से, ये पूरा। और यहाँ पे पूरा रास्ता है इतना डीपली, और यहाँ से बिल्कुल खाई है। अगर कोई फिसलेगा धड़ाम करके यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे रोड में है, तो सबसे भयंकर वाली खाई है यहाँ पे। और कीड़े की आवाज़ कितनी आ रही है भाई। जैसे ही हम लोग जंगल से आए ना, वैसे यहाँ पे घर आते आते लंगूरों का आतंक हो गया भाई। भागो दोबारा से, लंगूरों को भगाओ। एक तो अलग ही काम है आजकल, ब्लॉग करने से पहले लंगूर भगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वाले खेत पे काम चल रहा है और मम्मी चली गई भाई लंगूर भगाने। भाई लंगूर मार मार, पकड़ 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 पकड़। तो गाइस योगी भी स्कूल से आ गया। चल योगी, योगी का परिचय बाद में देंगे, इसका आज पेपर था। फिलहाल लंगूर भगाते हैं। चल भाई ब्लॉग बाद में आएगा। भगा पकड़ 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 ले गुल्ले इतना। देखो गाइस मम्मी लगी पड़ी है लंगूर भगाने में। कहाँ खेत में काम करना, कहाँ लंगूर भगाना, वो देखो भाई वहाँ पे 4000-5000 बैठे हैं। मम्मी जाएगी खाना बनाने के लिए।
हाथ पकाने जा रहे थे, लंगूर आ गए। मम्मी ने मेरे को बोला दाल में आग जला देना, जिससे कि दाल में नहीं किसके बाजू का आग जलाना भाई। जैसे आग जलाने लगा लंगूर आ गया, मैं यहाँ पे आ गया। अब मम्मी जाएगी घर खाना बनाने और हम लोग लंगूर पकाएंगे। इतने सारे पेड़ है ना, इन पेड़ों में भाग भी नहीं रहे भाई। मेरे हाल देखो, कुमरे कुमरे लग गए भाई, ये पूरे कुमरे कुमरे लग गए भाई। पैर में भी आपको दिख रहे होंगे, ये देखो भाई इतने सारे कुमरे हैं ये, क्योंकि यहाँ से आया मैं। ऐसे हो रहे हैं भाई कुमरे पूरे, लंगूर चले गए नीचे। मम्मी बोलिए किसके बाजू का खा भात पकाना वाले यहाँ पे, लंगूर भगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भगाओ भाई। तो गाइस लंगूर भगाते भगाते हम काफ़ी नीचे आ गए, तो यहाँ पे अपने गांव की रोड दिख रही होगी आपको, यहाँ तक लेके आ गए और नीचे चलते हैं भगाने के लिए। ओ भाई मेरे लंगूरों का आतंक रे बाबा। टप्पी कमांडर दोनों आ गए। कौन ज्ञान, कौन है मल्ली, नान गुनर। ये तो बड़ा पोपट हो गया यार, देखना पड़ेगा रे बाबा कि सच में लंगूर है क्या। अरे यार क्या दिक्कत है यार, सच में लंगूर ऊपर ही थे तो थक गया नीचे से, अब कुछ ऊपर जाना पड़ा भाई। ये देखा भी नहीं मैंने, ये उतर गया देखो। ओए ओए हो भाई, थका दिया पूरा यार। ओए 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 भाई हालत ख़राब हो गई है। अब तो लग रहा है कि आज के पूरे ब्लॉग में लंगूर दिखेंगे। अब बैठ जाता हूँ। दीदी लोग वहाँ से देख रहे हैं भाई, वो वहाँ से मेरे को मेरी हरकतें देख रहे हैं कि यहाँ से मैं नीचे गया फिर ऊपर आया और बैठ गया फिर से। योगी नीचे रोड में गया हुआ है, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। ओ उधर पे वहीं चलते हैं, दोनों कुत्ते भी वहीं पर हैं और योगी भी। हालत ख़राब हो गई, लंगूर होगा। योगी का आज पेपर था, काहे का पेपर था आज, संस्कृत का। कल काहे का है, कल को गणित का। योगी को पेपर में पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ा लंगूर भगाने पड़ रहे हैं। ऊपर वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ से हम भगाते भगाते लग रहे हैं, इन पेड़ों के बीच से आते 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 पूरा यहाँ पे छोड़ दिया है। कमांडर थक गया बेटे, थक गया, चल बहुत बढ़िया। इस वाले आंवले के पेड़ों में कुछ आंवले लगे हुए थे, इसमें से एक आंवला उठाते हैं भाई। ये देखो भाई मेरा दांत टूट गया, ये भी आंवला खा रहा है, ये भी आंवला खा रहा है, इसने उठा भी रखे हैं, बहुत बढ़िया भाई। लंगूर रोड पर फिर से आ गए, हम घर जा रहे थे ये फिर से आ गए लंगूर। भाई योगी गिरा नीचा, ये देखो बंदर बन गया, अभी खट्टा हो रहा है। अब इसको खाने का जब पानी पियेंगे ना, वो बड़ा मीठा, वो बड़ा मीठा सा लगेगा। ताऊ जी यहाँ पे देखो लहसुन लगा रहे हैं अपने लिए, तो ताऊ जी की मक्का भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस पता नहीं कब इसको ताऊ जी उठाएंगे। ऐसा ना हो कि लंगूर चार फिरपाओं के लिए है विशेष करना, ऐसा ना हो लंगूर ले जाए। हाँ जो प्राणियों के लिए है उनके लिए ना, विद्वान प्राणियों के लिए। अच्छा इंसान का नहीं है, योगी कहाँ से आ रहा था बॉल लेके। तो गाइस फिर से लंगूर आ गए भाई, और भगाओ भागते भागते जाओ लंगूर भगाओ, क्या काम चल रहा है हमारा। इन वाले खेत पे आए थे लंगूर अभी, वो देखो ऊपर से वो देखो बाप रे, वो भागते बड़े बड़े लंगूर। अब तेरी तो भैंस की टांग ले गुल्ले, पकड़ कमांडर पकड़ 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 ले गुल्ले ले गुल्ले। लंगूर ले गुल्ले, वो देखो उतरे का, वो देखो लंगूर ने ऐसा परेशान करके रखा। देखो सुबह से आप देख रहे हो दिन भर हम लंगूर ही भगा रहे हैं, ऐसे में क्या खेती होगी, क्या क्या होगा, क्या समस्या होगी तेरी, क्या मसला तेरा बता। अच्छा नहीं काटेंगे तो लंगूर खुश आ रहे हैं इन पेड़ों में। पेड़ देख रहे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों में लंगूर बैठ जा रहे हैं भाई। एक पेड़ में बैठा रहे हैं, दूसरे में चले जाएँ, दूसरे तीसरे में, पेड़ भी नहीं काट सकते, लंगूर भी नहीं भाग रहे हैं, कई समस्या है। इस वाले खेत पे योगी लोगों ने हल भी लगा दिया, अभी देखो आधे खेत पे हल लगाया हुआ था और ज़मीन बहुत टाइट हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हुई थी ना, ये बिल्कुल सूखी ज़मीन है, ऐसे में गेहूँ की फसल नहीं लगा सकते हम लोग। हाँ इसे बोलते हैं डेढ़ा डेल, ये फूट गया डेल। तो गाइस शाम के बजे लगभग 5 और हम जाने लगे वापस आ, तो खेत की फसल भी निकाल दी है। ये देखो भाई यहाँ पे पूरे दिख रही होगा आपको, और ये इस वाले खेत पे बहुत सारी सोयाबीन थी वो सारी निकाल दी है, तो पापा भी इकट्ठा कर रहे हैं। ऊपर वाले खेत पे ना भाभी फसल निकाल ली है, तो उनके सर पे ना रखना होगा, इसलिए मेरे को बुला रही है। भाभी ने आज अपना हाथ काट लिया भाई, तो भाभी अपने हाथ काटते रहती हैं टाइम टाइम पर। ये देखो ये आपको दिख रही होगी पट्टी, वैसे ही बहुत सारे खून की कमी है, ऊपर से हाथ काट लेती हैं और खून कम आ जाता है। मम्मी जी का बन रहा है अभी खाना, तो भाई खाने लग गया है
और बाकी पापा सभी के लिए खाना डाल रहे हैं। तो ये गए अपनी दिन वाली दाल जो कि भाई के लिए रखी हुई थी, ये आया नहीं, ये तो आज मदद में गया था, इसने वहीं खाया ना, यानी कि गांव में छत डल ली थी तो वहां पे गया हुआ था। नानी कस बना रहा, सही बना रहा है। तो चाचा जी ने खाना बना रखा है, तो होशियार भाई देखो भाई वहां पे स्टार्ट हो गया, बिल्कुल मजे आ रहा हो सर। नानील बना को, अरे नानील बना, अरे हाँ नानील बना को, बिल्कुल भैया नानी ने बना रखा, ठीक है डन हो गया। तो चाची अभी जमीन में नहीं बैठ सकती है, तो चाची वहाँ बैठी चेयर पे क्योंकि दर्द होगा ना। वीआईपी लोग, वीआईपी लोग, हाँ क्या 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 कैसे जाएगा, खा ले भाई खा ले जल्दी जल्दी पेट भरी लानी, जल्दी जल्दी पेट ये देखो भाई दिन भर काम हो रहा है आजकल, दिन भर तो नानी ने घास काटने गई थी, हाँ तो असोच खत्म होगा, असोच क्या कातिक लग गया और काम खत्म नहीं हुआ, लगातार काम लगा हुआ है। नानी नाम लाओ नहीं बोला, हाँ नानी के दांत आएंगे भाई, हाँ बिल्कुल नानी हमेशा मजाक करती रहती है भाई, ठीक है तो अभी इस वीडियो को इतना ही देखते हैं। नानी तो भाई होशियार भाई की है, होशियार भाई पर तू तो भाई भाई है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलू बता अगर मैंने कॉमेडी करना स्टार्ट किया ना भाई वीडियो एंड करो भाई तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय भारत।